दोस्तों इंडिया में 50 से ज्यादा डॉग ब्रीड्स पाई जाती हैं जो कि इंडियन डॉग ब्रीड्स हैं, बट हम इंडियन उन 50 में से शायद एक या दो के बारे में भी जानते हो तो बहुत बड़ी बात है। बट अगर बात आ जाए वही फॉरेन ब्रीड्स की तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डाबरमैन कौन सा है, जर्मन शेफर्ड कौन सा है, पोमेलियन कौन सा है या फिर लैब्रा कौन सा है, इनको हम देख के भी पहचान सकते हैं। बट हमारे आसपास जो देसी डॉग तक घूमते हैं हमें उनकी तक ब्रीड के बारे में नहीं पता है कि ये कौन सी इंडियन ब्रीड है। सो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम लोग बात कर देते हैं कि विदेश चीजों का बहिष्कार कर देंगे, विदेशी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर देंगे, बट यार हम इंडियंस एक अपने इंडियन ब्रीड का डॉग तक तो पालना पसंद नहीं करते, उसके लिए भी हमें विदेशी ब्रीड्स के डॉग्स चाहिए। हमारे जो डॉग्स हैं एक से एक ब्रीड है, 50 ब्रीड ऐसी हैं जो कि जर्मन शेफर्ड, लैब्रा, इन सबको फेल करती हैं। बहुत सी ब्रीड्स ऐसी इंडिया में हैं, आज मैं वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करूंगा। और इस वीडियो में 50 तो नहीं बट मैं आज आपको टॉप 20 इंडियन डॉग ब्रीड्स के बारे में बताने वाला हूं। तो अब से कोशिश करिएगा, वो कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, तो अब से कोशिश करिएगा कि घर पे जब भी कोई नया डॉग लाए तो वो इंडियन ब्रीड का डॉग लाए। बट आगे बढ़ने से पहले गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में लगी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहां पे भी मैं बहुत कुछ अपलोड करता रहता हूं, बिहाइंड द सीन्स वगैरह भी वहां डाल देता हूं और काफी सारे आपके क्वेश्चंस वगैरह वहां भी सॉल्व हो जाते हैं, तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। नंबर 1 पे जो डॉग ब्रीड है वो है चिप्पी पराई। चिप्पी पराई तमिलनाडु की एक एकल रंग की 8वीं नस्ल का कुत्ता है जो तिरुनेलवेली, थेकासी, थुथुकुड़ी और मदुरै के क्षेत्र में पाया जाता है। ब्लैक, टैन और सेबल संस्करणों को कन्नी कहा जाता है। इनकी ऊंचाई मैक्सिमम 64 सेंटीमीटर तक होती है और ये फॉन सिल्वर ग्रे या ग्रे कलर के होते हैं। स्वभाव में ये स्वतंत्र, वफादार, मजबूत होते हैं और ये मूल रूप से तमिलनाडु, भारत में पाए जाते हैं। नंबर 2 पे जो है वो है मुधोल हाउंड। मुधोल हाउंड जिसे मराठा हाउंड, पश्चिमी हाउंड और कथेवर डॉग के रूप में भी जाना जाता है। केनेल क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल केनेल क्लब नस्ल को अलग अलग नस्ल के नाम से जानते हैं। इनकी ऊंचाई मैक्सिमम 68 से 72 सेंटीमीटर तक होती है जो कि पुरुष डॉग की होती है, और महिला डॉग की होती है 64 से 68 सेंटीमीटर तक। रंग में ये ब्लैक, व्हाइट, फॉन, ब्रिंडल और चॉकलेटी कलर के होते हैं। स्वभाव में ये वफादार, ग्रेसफुल, साहसी, एलिगेंट होते हैं। इनका वजन मैक्सिमम 22 से 28 किलोग्राम तक का होता है। नंबर 3 पे है राजपालियम। राजपालियम को पोलगर हाउंड या इंडियन घोस्ट हाउंड के नाम से भी जाना जाता है। एक दक्षिण भारतीय कुत्ते की नस्ल है। यह दक्षिण भारत में रॉयल्टी और अभिजात वर्ग का निरंतर साथी, शुअर शिकारी और रक्षक था। ये ज्यादातर सफेद रंग में पाए जाते हैं और इनकी ऊंचाई जो होती है मैक्सिमम 65 से 75 सेंटीमीटर तक होती है और ये स्वभाव से बहुत ही स्नेह और डेडिकेटेड टाइप के होते हैं। नंबर 4 पे है बखरवाल। बखरवाल कुत्ता पाकिस्तान और भारत में मौजूद पीर पंजाल रेंज में पाया जाने वाला एक प्राचीन काम करने वाला पाकिस्तानी और भारतीय कुत्ता है, जहां बकरवाल और गुर्जर खानाबदोश जनजातियों द्वारा कई शताब्दियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। स्वभाव में ये वफादार, सुरक्षात्मक, साहसी, गंभीर, असभ्य और क्रूर होते हैं। नंबर 5 पे है बुली कुत्ता। बुली कुत्ता जिसे इंडियन मस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है, उम्र जो होती है 8 से 10 वर्ष की होती है। ये काले, सफेद, फॉन, ब्रिंडल, लाल और हॉलक्विन कलर में पाया जाता है। इसकी जो ऊंचाई होती है 81 सेंटीमीटर लेकिन 82 सेंटीमीटर तक होती है जो कि बहुत ज्यादा है, और इसका जो वजन होता है वो 70 से 90 किलो तक का वजन होता है और स्वभाव में बहुत ही ज्यादा आक्रामक लेकिन साथ में सुरक्षात्मक भी होते हैं। नंबर 6 पे है कंबाई। कंबाई जिसे भारतीय टेरियर के नाम से भी जाना जाता है, कुत्ते की नस्ल है जो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के तलहटी में विकसित हुई। मूलतः ये भारत के ही हैं। स्वभाव में बहुत ही ज्यादा आक्रामक और सेवियस टाइप के होते हैं। ये भूरे और लाल रंग में इंडिया में पाए जाते हैं। नंबर 7 पे है गद्दी कुत्ता। गद्दी कुत्ता उत्तर भारत में उत्पन्न होने वाली एक विशाल मस्टिफ प्रकार की नस्ल है। गद्दी कुत्ता कुत्ते को कभी कभी भारतीय तेंदुआ हाउंड या हिमालयन शीपडॉग भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो होती है 56 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक और ये फॉन, पाइबल, ब्रिंडल, क्रीम, ब्राउन रंग में पाए जाते हैं। स्वभाव से बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, कोमल, शांत और प्रादेशिक होते हैं। नंबर 8 पे गुलडॉग। गुलडॉग भारत और पाकिस्तान के कुत्ते की नस्ल है जिसका उपयोग अक्सर कुत्ते की लड़ाई, शिकार और रखवाली में किया जाता है। मूलतः ये भारत के ही हैं। स्वभाव से बहुत ही ज्यादा जिद्दी और आक्रामक टाइप के होते हैं। भारत में काले, सफेद और सिंदूरी रंग में पाए जाते हैं। नंबर 9 पे है गुल टेरियर। गुल टेरियर कुत्ते की एक दुर्लभ नस्ल है जो भारत के पंजाब क्षेत्र से उत्पन्न होती है। माना जाता है कि यह कई 100 साल पुराना है। उनका उपयोग अक्सर कुत्ते की लड़ाई, शिकार और रखवाली में किया जाता था। गुल टेरियर बुल टेरियर नस्लों से संबंधित है जो ग्रेट ब्रिटेन से आते हैं। सफेद रंग के होते हैं मेनली ये। स्वभाव से बहुत ही ज्यादा आक्रामक और प्रशिक्षित होते हैं। नंबर 10 पे है इंडियन स्पिट्स। इंडियन स्पिट्स एक प्रकार का कुत्ता है जो उपयोगिता समूह से संबंधित है। इंडियन स्पिट्स एक घरेलू कुत्ता है और अनुकूल पालतू जानवर है। दुनिया भर में नस्ल के आदर्श आकार के अनुसार अलग अलग मानक हैं, लेकिन वे हमेशा अपने छोटे चचेरे भाई पोमेरियन से बड़े होते हैं। इनकी उम्र 10 से 14 साल की होती है
और इनका रंग मेनली काला, सफेद या फिर भूरा होता है। स्वभाव से ही बहुत ही बुद्धिमान, दयालु, चंचल, सक्रिय, पुष्ट और मुखुल टाइप के होते हैं। नंबर 11 पे है जुनांगी, जिसे जुनांगी जगिलम या कोलेटी जगिलम के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय कुत्ते की नस्ल है जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के अलग अलग राज्य में और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में सभी पूर्वी तट के साथ पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक पाई जाती है। स्वभाव से ही बहुत ज्यादा स्पंकी, सतर्क और अधीम होते हैं। ये काले, सफेद, फॉन, ब्रिंडल और चॉकलेट कलर में भारत में पाए जाते हैं। नंबर 12 पे है कैकडी। कैकडी भी एक टेरियर कुत्ते की नस्ल का है जिसका नाम महाराष्ट्र भारत में एक खानाबदोश जनजाति के नाम पर रखा गया। कैकडी एक परिपूर्ण प्रहरी है, वे शिकार के साथ साथ हरमन का भी शिकार करते हैं। कैकडी बड़े खुले क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है, ना कि शहरी घर की सेटिंग्स के लिए। भाव से बहुत ही स्नेहमयी, मिलनसार साथी और देखने योग्य होते हैं। नंबर 13 पे है कन्नी। कन्नी जिसका अर्थ है शुद्ध, तमिलनाडु राज्य में पाया जाने वाला एक दुर्लभ स्वदेशी दक्षिण भारतीय कुत्ता। उनका मूल प्रजनन पथ तिरुनेलवेली और थुथुकुड़ी जिले के गांवों के आसपास स्थित है। नस्ल का उपयोग मुख्य रूप से पालन के लिए किया जाता है। जीवन काल इनका 14 से 16 वर्ष का होता है। इनकी ऊंचाई मैक्सिमम 64 सेंटीमीटर तक भारत में पाई गई है और स्वभाव से बहुत ज्यादा फुर्तीले, ग्रेसफुल और प्रोटेक्टिव होते हैं। नंबर 14 पे है कुमाऊं मस्टिफ। कुमाऊं मास्टिफ भारतीय कुत्ते की सबसे मजबूत नस्लों में से एक है, जो बड़ी है, जिनके शरीर काफी दुबले, मांसल और सुडोल है। उन्हें एक बड़ा मजबूत सिर और एक मजबूत गर्दन मिली है। उनके पास एक छोटा मुलायम कोट होता है जो हमेशा गहरे रंग के रंगों से लेकर प्रकाश के रंगों में आता है। उनके सफेद निशान भी हो सकते हैं। उनका स्वरूप पुराने ग्रेट डेन्स के समान बताया जाता है। वे आक्रामक कुत्ते हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। इन कुत्तों में घुसपैठियों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक प्रवृत्ति को संरक्षित करने और प्रदर्शित करने की एक महान क्षमता है। नंबर 15 पे है महरत ग्रे हाउंड। महरत्ता ग्रे हाउंड दुर्लभ भारतीय कुत्तों की नस्लों में से एक है, जिसे सबसे अच्छी तरह से सुचारू लेपित सुलूकी से मिलता जुलता बताया जाता है, जो कि अपने मूल प्रांत महाराष्ट्र के बाहर अज्ञात है, क्योंकि यह सक्रिय शक्ति के साथ मिलकर स्थायी गति का आभास देता है। इनकी ऊंचाई 22 से 23 इंच तक की होती है, वजन 27 से 30 किलोग्राम तक का होता है और जो इनकी उम्र होती है वो 10 से 14 साल तक की होती है। नंबर 16 पे है पांडिकोना। पांडिकोना आंध्र प्रदेश भारत के पेटीकोंडा तालुक कर्नूल जिले का एक आदिम प्रकार का शिकारी कुत्ता है। पांडिकोना कर्नूल जिले की कठोर जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल एक मध्यम आकार का दृष्टि हाउंड है। यह नस्ल उस क्षेत्र के चरवाहा परिवारों का पर्याय है। यह भारतीय कुत्तों की नस्लों में से एक है जिसे बहुत कम देखभाल की आवश्यकता होती है। इसकी ऊंचाई 19 से 26 इंच तक होती है और वजन 35 से 45 किलो तक हो सकता है। उम्र इनकी 10 से 15 साल तक की होती है। नंबर 17 पे है इंडियन परिहा डॉग। भारतीय पारिया कुत्ता, जिसे इंडोग, साउथ एशियन पी डॉग और देसी डॉग के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी कुत्ता है। उनके पास कान, एक पच्चर आकार का सिर और एक घुमावदार पूंछ है। यह आसानी से प्रतिष्ठित किया जा सकता है और अक्सर गार्ड और पुलिस कुत्ते के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी हाइट 23 से 25 इंच तक होती है। इनका वजन जो है 15 से 30 किलो तक होता है और जो इनका लाइफ स्पैन है वो 10 से 13 साल का होता है। नंबर 18 पे है रामपुर ग्रेहाउंड। ये अधिकांश अन्य ग्रेहाउंड्स के समान ऊंचाई के बारे में है, लेकिन वे बहुत बड़े और अधिक मजबूत हैं। रोडसियन रिजबैक के समान है। रामपुर का सिर इंग्लिश ग्रेहाउंड की गर्दन की तुलना में व्यापक और अधिक कॉम्पैक्ट है। किसी भी अन्य हाउंड भारतीय कुत्ते की नस्लों की तरह इसे एक सपाट खोपड़ी और एक तेज नाक मिली है। इनकी ऊंचाई 12 से 28 इंच तक होती है और इनका वजन 27 से 30 किलोग्राम तक होता है। इनका लाइफ स्पैन जो है वो 13 से 14 साल का है। नंबर 19 पे है वंजरी हाउंड। वंजरी हाउंड यह भारत में पाई जाने वाली एक भारतीय कुत्तों की नस्लों में से एक है। यह राजस्थान के खानाबदोश वंजारी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ग्रे हाउंड प्रकार का कुत्ता है। विशेष रूप से शिकार के लिए प्रयोग किया जाता है। हालांकि यह एक गार्ड डॉग और एक हेरिंग डॉग के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में नस्ल को अन्य कुत्तों की नस्लों के साथ और अन्य कारणों से इंटरब्रीडिंग का खतरा है। इस नस्ल को असील के रूप में भी जाना जाता है। इनकी ऊंचाई 26 से 28 इंच तक हो सकती है और इनका वजन 25 से 29 किलो तक हो सकता है। नंबर 20 पे द विकन शीप डॉग। विकन शीप डॉग, जिसे वंचन डॉग या केवल विचन भी कहा जाता है, एक कुत्ते की नस्ल है जो उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य से उत्पन्न होती है। इनकी ऊंचाई 66 सेंटीमीटर तक होती है। स्वभाव से बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, निडर, भयंकर और प्रादेशिक होते हैं। ये काले, फौन, भूरे और लाल रंग में इंडिया में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये बात हो गई 20 इंडियन डॉग ब्रीड्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज आपको बहुत सारे ऐसे डॉग ब्रीड्स के बारे में पता चला होगा जिसके बारे में आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा कि ये सभी भारतीय डॉग ब्रीड्स हैं। और ये एक से एक खतरनाक और एक से एक लॉयल डॉग ब्रीड्स हैं, जिन्हें कि आप अपने घर पे रख सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं, पालतू बना सकते हैं, हर तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं घर पे। बट अब टाइम है अपने आप को बदलने का, कि आप विदेशी नस्लों की डॉग ब्रीड्स के बजाय इंडियन डॉग ब्रीड्स को अडॉप्ट करें, उन्हें लें, उन्हें घर पे रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और यार, वीडियो अगर अच्छा लगा है ना तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही रखता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।